أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. सबसे पहले आज के इस मुबारक दिन 15 माह मुबारक रमज़ान हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है. आप सबकी खिदमत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम थे, हमारे पहले इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे. इनके वालिद अमीरुल मोमिनीन और इनकी वालिदा बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी. इंशाल्लाह इनकी बायोग्राफी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमने कुछ साल पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी की थी. आपसे गुजारिश है कि ऊपर लिंक में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को एक्सेस करके इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम जानें कि किस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी जी. आज उनकी विलादत है, मेरी गुजारिश है कि ज़रूर उनकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ जाने, उनको सीखें. आज जिस आलिम दीन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है शेख हुर्रे आमिली अलैहि रहमा. शेख हुर्रे आमिली की विलादत 8 रजब 1033 हिजरी में हुई थी. इनका नाम जो है मोहम्मद इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हुसैन था. ये उनकी जीनियोलॉजी थी, उनका नाम मोहम्मद था. शेख हुर्रे आमिली को शेख अल इस्लाम का टाइटल दिया गया था, यानी जो इस्लाम के शेख है, इस्लाम के नॉलेजेबल पर्सन है और शियों का लीडर का टाइटल भी उनको दिया गया था. शेख हुर्रे आमिली के बारे में है कि शेख हुर्रे आमिली जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही की नस्ल से थे. कुछ हिस्टोरियंस उनको इस लिनियत से करार देते हैं कि वो जनाब हुर जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए थे उनकी नस्ल में से शेख हुर्रे आमिली अलैहि रहमा मौजूद थे. और शेख हुर्रे आमिली के जो फैमिली थी वो भी कई, उसमें कई हाई रैंकिंग स्कॉलर से कई उलमा उनकी फैमिली में मौजूद थे. तो डेफिनेटली ये एक असर पड़ता है कि जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से हाई चांसेस होते हैं कि वो बच्चे पर भी वो असर पहुंचे. शेख हुर्रे आमिली के बारे में है कि कई उलमाओं ने जो है उनकी तारीफ की है, उनके बारे में अच्छा लिखा है, इंक्लूडिंग अल्लामा अमीनी जिन्होंने अलगदीर लिखी, जिन इंशाल्लाह जिनकी स्टोरी हम जो है आगे की सीरीज़ में देखेंगे. उनके बारे में अल्लामा अमीनी ने शेख हुर्रे आमिली के बारे में बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं. शेख हुर्रे आमिली ने कई किताबें लिखी जैसे कि जवाहिर सानिया फिल हदीस अल कुदसिया या इस्बात अल हुदात बिन नुसूस वल मुजिज़ात रिसाला फ़ी तवातिर अल कुरआन रिसाला फ़ी मसअल अल रिजात रिसाला फ़ी खल्क अल काफिर रिसाला इसना अशरिया फवायद अल तूसिया अमल अल आमिल फे उलमा जबल अल आमिल, मतलब जो जबल आमिल के थे वहाँ के जितने भी उलमा थे वहाँ की उन उलमा की बायोग्राफीज को जमा किया उन्होंने, उनकी किताब थी. लेकिन उनकी जो सबसे मेन किताब थी वो थी वसाइल शिया. आज भी हमारे साथ ये किताब मौजूद है. वसाइल शिया के बारे में है कि जो चार बड़ी किताबें हमारी जो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, जो हदीसों की किताब है अलकाफ़ी शेख कुलैनी अलैहि रहमा की, मल्ला यहदरुल फ़कीह शेख सदूक अलैहि रहमा की, किताब तहजीब और किताब इस्तिबसार शेख तूसी अलैहि रहमा की, इन चार बड़ी अहदीस की किताबों के बाद अगर कोई किताब का नाम आता है अहदीसों की दुनिया में तो वो है वसाइल शिया. वसाइल शिया किताब में शेख हुर्रे आमिली ने जो है पूरी कोशिश की कि इन सब चार किताबों की हदीसों और दूसरे कई सोर्सेज से भी जो हदीसें उनके हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन थी उनको उन्होंने इस किताब में कंपाइल किया और इस किताब वसाइल शिया को कंपाइल करने के लिए उनको 18 साल लगे थे. जस्ट इमेजिन 18 years टू कंपाइल वन बुक. यकीनन जो उनकी मेहनत थी, जो उनका खुलूस था, ये प्रूफ है आज भी कि इतने सालों बाद उनकी किताब आज तक अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को सही राह की तरफ रास्ता दिखाती है. शेख हुर्रे आमिली की वफ़ात 21 रमज़ान अमीरुल मोमिनीन की शहादत के दिन
1104 हिजरी में हुई और इन्हें मशहद मुकद्दस में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जवार में जो है इनको दफनाया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलम दीन की स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.